हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल किसान पे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे रोटावेटर की ब्लेड में जो मिट्टी फंस जाती है, जैसे कि हमारे रोटावेटर की ब्लेड में ये फंस गई है। इधर मोटर से क्या होता, पानी निकल गया था तो इसमें से मिट्टी फंस गई है। इसका मिट्टी निकालने का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने बोला है कि फेक वीडियो है, ऐसे नहीं निकल दी तुम्हारे रोटावेटर मिट्टी कितनी फंसी है। तो इसमें अब जो मिट्टी है अच्छी खासी तरह से पूरी फंस गई है इसमें, तो मैंने सोचा एक बार और वीडियो आपके लिए बना दूँ। और जो भाई कमेंट कर रहे थे कि ऐसे मिट्टी नहीं निकलती है, तो मेरे पास स्वराज 855 है और मास्टर का रोटावेटर, मेरे इसमें तो निकल रही है। और आपको इस वीडियो में एक बार और मैं बता देता हूँ कि मिट्टी निकलती है कि नहीं निकलती, पूरी तरह देखना। कुछ भाई ने सब कमेंट किया था कि वीडियो पे कि पहले मिट्टी साफ़ करके पहले वीडियो बना लिया, फिर रोटावेटर को रोक के मिट्टी साफ़ कर लेने, फिर वापस साफ़ करने के बाद बाकी बात का वीडियो बनाया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आज की वीडियो में पूरा बताऊँगा। आपको देख सकते हो इसमें मिट्टी जो है पूरी अच्छी तरह से फंस गई है, देख सकते हो आप। अब तो आप बोल भी नहीं सकते कि इसमें कितनी मिट्टी फंसी हुई, देख सकते हो। ये इधर बीच में खाली दो ब्लेड में मिट्टी नहीं है, बाकी पूरे रोटावेटर में मिट्टी फंस गई है, देख सकते हो आप। इधर साइड का व्यू हो गया, उधर साइड से बता दूं आपको मैं। ये देखिए, तो पूरी तरह मिट्टी फंस गई है। तो मिट्टी निकालने के लिए क्या करना है अपने को, रोटेटर के ब्लेड में जो मिट्टी फंसी उसको निकालने के लिए क्या करना है कि हमारा ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर को हेवी गियर से न्यूट्रल करके पीटीओ गियर को मल्टी स्पीड पीटीओ में डालकर मेन गियर से फोर्थ गियर लगाना, जिससे कि फोर्थ गियर से हमारी पीटीओ डायरेक्ट घूमेगी मल्टी स्पीड में, जिससे कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 2700-2800 आरपीएम पे चलेगा लगभग रोटेटर हमारा, जिससे कि आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी ऑटोमेटिक निकल के छटक जाएगी। अब देखना, ट्रैक्टर को स्टार्ट करूँगा, फिर हेवी गियर से न्यूट्रल करूँगा, फोर्थ गियर में डालूँगा और पीटीओ को मल्टी स्पीड पीटीओ में डालूँगा पीछे साइड, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखोगे आप तो आपको मिट्टी उधर पीछे साइड छटकती हुई दिखाई भी देगी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि मिट्टी किस तरह से रोटावेटर से निकल के दूर छटक गई है। आप दिखा दूँ आपको मैं वीडियो में, तो आप देख सकते हो कि हमारी ब्लेड में कुछ भी मिट्टी अब नहीं बची हुई है, ब्लेड पूरी तरह हमारी साफ हो गई है, पूरा रोटावेटर साफ हो गया है। वहाँ तो देख सकते हो पूरा रोटावेटर को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने रोटावेटर की ब्लेड में फंसी मिट्टी को आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप पेच कसिया सरिया वगैरह से निकालोगे इसमें तीन चार घंटे तो नहीं, मतलब एक आधा घंटा आराम से लग जाएगा आपका पूरे रोटावेटर में अगर फंस जाए तो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को सब दूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी टाइम की बचत उससे हो सके। ओके दोस्तों।